कांग्रेस छोड़ के भाजपा को समर्थन कर दिया। बहुत बढ़िया, तालियां 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 तालियां। देखिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, एक नेशनल पार्टी की प्रत्याशी, एक बड़ी पार्टी कांग्रेस की प्रत्याशी जो पर्चा भरने के बाद में चुनाव चलता है वक्त, मतलब लास्ट दो दिन रह गए हैं, और वो सुनीता पवार जी जो उन कांग्रेस प्रत्याशी थी, उन्होंने कमलेश आर्य को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठने का फैसला किया है। ये प्रतीत का है, ये इस चीज को दर्शाता है कि आने वाले टाइम में एक पक्षीय लहर चल रही है। हो सकता है कल को हरपाली सिंह यहाँ इनके पक्ष में बैठ जाए, तो कोई मामला है नहीं है। कोई आदमी लड़ना चाहे तो स्वागत है, लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ चुनाव नाम की चीज है नहीं है। एक जबरदस्ती का माहौल बनाने का प्रयास दूसरी पार्टियों के द्वारा से किया, समाजवादी के द्वारा से, बसपा के द्वारा से, लेकिन कोई प्रत्याशी आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा। खाली जो है हवाबाजी में एक एक गाड़ी लेके उसके अंदर भी उनके परिवार के लोग बैठे, दूसरे लोग नहीं बैठे हुए। क्या अंशु नागपाल को 5 साल में 3 साल मिले, और कमलेश आर्य को अब कोरोना का कोई डर है नहीं, मैंने बात बोली थी, अभी ने पूरे 5 साल मिलेंगे, उससे और बेहतर काम करने का अवसर इनको मिलेगा, क्योंकि जब 5 साल मिलेंगे और अंशु नागपाल साथ में होगी तो ये एक ऐतिहासिक कार्यकाल होगा। अच्छा कौन सा घोटाला हुआ पहले आप एक बार बताओ मुझे, एक नाम बताए किस चीज का, कोई घोटाला हुआ हो, कहीं बेईमानी की गई हो, कहीं कमीशन खोरी करी गई हो, किसी से पैसे लिए गए हो, कोई कार्य किया गया हो। इस टाइप के अफवाह फैलाने वाले लोग घोटालों में संलिप्त है, उन्हें तो बस आशीर्वाद प्राप्त हो गया, भाजपा के अंदर थे, और जिस प्रकार के फर्जी काम किए ना उन्होंने, जो सड़कें बनी नहीं, कहीं नाली नहीं बनी, कहीं पूरे नाले सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए खा गए, ये काम जो चोरी डकैती के करने के काम इनके थे, इनके अब ये सपने सच होने वाले हैं नहीं है, जो सपने देख रहे हैं लोग। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद।